हाँ जी बेटा, कल हमने टॉपिक किया था आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज स्लेटर रूल। ठीक है, आज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बेटा साइज ऑफ द एटम। आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बेटा, आयनाइजेशन जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मीन्स जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस के, मतलब जिस न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है जी, तो जैसे जैसे चार्ज न्यूक्लियस पे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन जो है निकालने की टेंडेंसी जो है कम होती जाएगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। अगला है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आपका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जितना स्क्रीनिंग जो है इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पेनीट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनीट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। लास्ट फैक्टर इज़ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। आपको पता है हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड जो कन्फिग्रेशन होती हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो इतनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करेंगी। तो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एनर्जी इज़ वेरी हाई। फुली फील्ड कन्फिग्रेशन होती है नोबल गैस की, फुली फील्ड होती है बेटा। ठीक है जी, इसीलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। ठीक है, जो हाफ फील्ड होती हैं कॉन्फ़िगरेशन वो भी स्टेबल होती हैं, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी हाई होती है। नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हम या तो ग्रुप में जाते हैं या पीरियड में जाते हैं। जब हम ग्रुप में जाते हैं बेटा, जब हम ग्रुप में जाते हैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी साइज़ की ऑपोजिट होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड जाएँ, अलॉन्ग अ पीरियड अगर हम जाएँ, तो आपको पता है अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है बेटा, डिक्रीज़। साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़। लेकिन इसमें कई एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे, जैसे कि जब आप पीरियड में जाते हो, सेकेंड पीरियड में जाते हो, सेकेंड पीरियड होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड है। तो लिथियम होता है तीन, तीन मतलब 1s2, 2s1। बेरिलियम होता है चार मतलब 2s2। बोरोन होता है पाँच मतलब 2s2, 2p1। कार्बन होता है छः मतलब 2s2, 2p2। नाइट्रोजन होता है सात मतलब 2s2, 2p3। ऑक्सीजन होता है 2p4 और फ्लोरीन होता है 2p5। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज़। तो अगर साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़। लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जब हम नाइट्रोजन पे पहुंचते हैं तो इसकी क्या है बेटा, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, लिथियम की सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम, फिर बेरिलियम की, फिर बोरोन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। क्योंकि साइज़ घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो कार्बन से तो वो ज़्यादा होती ही है, अपने एक आगे वाले से भी ज़्यादा हो जाती है। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिग्रेशन होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने वाले पीछे से तो ज़्यादा होती ही है, अपने एक आगे से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होगी। तो सबसे कार्बन के बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन। तो बेटा ये ट्रेंड है पीरियड में, और ग्रुप वाला मैं ट्रेंड आपको समझा चुकी हूँ। वेरिएशन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज अगर ऊपर से नीचे जाओ साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। ग्रुप में कोई भी जो है वो एक्सेप्शन नहीं आता। ठीक है,
तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मैं पिछले टॉपिक में करवा चुकी हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी की जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी तो साथ में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी भी करवा दिया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 को सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, IE1 सबसे कम होती है, फिर IE2, फिर IE3। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एनर्जी होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट गैशियस एटम इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तब जितनी एनर्जी लगती है, दैट आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑपोजिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, कि जब कोई आइसोलेटेड गैशियस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, दैट एनर्जी रिलीज इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अब सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स, पहला है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी बेटा न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जितना साइज बड़ा होगा उतनी बेटा न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो होगा आउटर मोस्ट शेल का वो ज़्यादा होगा, उतनी कम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका साइज ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होती हैं बेटा, उनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगी। तो अगर उनको इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, फुली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो आपको एनर्जी बाहर से लगानी पड़ती है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बहुत लो होती है या ज़ीरो होती है या पॉजिटिव होती है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि एनर्जी हमेशा रिलीज करती है, लेकिन अगर हाफ फील्ड फुली फील्ड कन्फिग्रेशन है तो उनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको एडिशनल एनर्जी लगानी पड़ती है, इसीलिए उनकी एनर्जी या तो पॉजिटिव होती है या लो होती है या जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद है वेरिएशन डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बेटा आपको पता है साइज इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। साइज अगर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है मतलब लेस नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है अलॉन्ग पीरियड, पीरियड में बेटा साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, अगर साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई हैलोजन्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा देखो, हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल, उनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेटा अगर आपको पास होने के लिए सिर्फ एक नंबर चाहिए होगा तो आप मैक्सिमम एफर्ट लगा दोगे कि आपको वो एक नंबर कहीं से पता लग जाए। तो सिमिलरली हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, तो वो मैक्सिमम एफर्ट्स करते हैं कि उनको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन हो जाए, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैस की जीरो होती है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिग्रेशन की भी ऑलमोस्ट जीरो होती है। मैंने बता दिया कि जो नोबल गैसेज होती हैं और जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिग्रेशन होती हैं वो स्टेबल होती हैं, जो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होती हैं उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें और अनस्टेबल हो जाएं। तो उनको अगर हमें इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें एनर्जी बाहर से लगानी पड़ती है, इसीलिए बेटा अगर हम एनर्जी लगा रहे हैं तो एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, एनर्जी या तो ज़ीरो हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या होती है, ज़ीरो। फिर एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस देन क्लोरीन। देखो बेटा, फ्लोरीन पहला मेंबर है ग्रुप का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपको पता है साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन होता क्या है,
क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, ये ऑर्डर नहीं होता, क्लोरीन ज़्यादा हो जाती है, फ्लोरीन की कम हो जाती है, पीछे वाला ऑर्डर सेम रहता है। तो क्वेश्चन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन की कम कैसे हो जाती है क्लोरीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम कैसे हो जाती है। देखो बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 9 मतलब 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो बेटा फ्लोरीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस शेल में है बेटा, सेकंड शेल में। सेकंड शेल का साइज जो है छोटा है, साइज छोटा है, 7-7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो आपस में ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा है। तो अगर वो एक दूसरे को ही धक्का मार रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेंगे? तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, उनका घर पहले ही छोटा है, 7-7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है, थर्ड शेल का साइज बड़ा है बेटा, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो बेटा यही आपने रीज़न है कि लो वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एटम इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, 7 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं जिसके कारण वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन क्लोरीन में क्योंकि साइज बड़ा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बनेगा। फिर ये ओ नेगेटिव को जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बनेगा, ओ टू नेगेटिव। अब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ठीक है। और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 को कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।